हे गाइस, दिस इज शेखर एंड यू वॉचिंग बातें कुछ मेरी कुछ तुम्हारी। एंड आज हम शुरू करने वाले हैं कुछ मेरी किताब से की वीडियो नंबर 1, जिसका टाइटल है डियर तुम। ये मैं अपनी डायरी से पढ़ रहा हूँ। कुछ शायरियाँ हैं, 4 शायरियाँ हैं, आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। एंड बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, आप लोगों ने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ वो रेड वाला बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट अपडेट्स। थैंक यू। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। एक अजीब सी कहानी हो तुम, एक अजीब सी कहानी हो तुम, जिसको आधा पढ़ चुका हूँ मैं और पूरी तुम हो नहीं। एक अजीब सी कहानी हो तुम, जिसको आधा पढ़ चुका हूँ मैं और पूरी तुम हो नहीं। ये मैंने उसके लिखी थी। सपोज इफ़ यू आर इन रिलेशनशिप एंड वो कम्प्लीट नहीं हुआ, या फिर आप कुछ टाइम के लिए एक साथ थे, तो एक क्वेश्चन आता है ना कि एक अजीब सी कहानी हो तुम, जिसको आधा पढ़ चुका हूँ मैं और पूरी तुम हो नहीं। मतलब वो पूरी थी नहीं, तो फिर मतलब हमारी लाइफ में क्यों ऐसा क्यों होता है। एक अजीब सी कहानी हो तुम, जिसको आधा पढ़ चुका था मैं और पूरी तुम थे नहीं, या फिर पूरी तुम हो नहीं। और इसी में है फिर डियर तुम की सेकंड नंबर की शायरी कि इंतज़ार करता हूँ मैं, इंतज़ार करता हूँ मैं तेरे बीत जाने का, इंतज़ार करता हूँ मैं तेरे बीत जाने का, तेरी कहानियों में मेरा जिक्र आज भी गुम है। इंतज़ार करता हूँ मैं तेरे बीत जाने का, क्योंकि तेरी कहानियों में जिक्र, क्योंकि तेरी कहानियों में मेरा जिक्र आज भी गुम है। मतलब कि आज भी, मतलब जब आप लोग, मतलब इफ़ यू वर इन रिलेशनशिप और हम उसके बाद हम उसको याद करते हैं, तो हम सोचते हैं कि कब उसकी यादें आना बंद हो एंड कब सब कुछ नॉर्मल हो जाए, फिर से मैं खुद में रहना शुरू कर दूँ या फिर तुम खुद में रहना शुरू कर दो। तो उसी का है कि इंतज़ार करता हूँ मैं तेरे बीत जाने का, तेरी कहानियों में मेरा जिक्र आज भी गुम है। कुछ सवाल बाकी रहते हैं, फिर कुछ शिकवे अधूरे रहते हैं जो होने बाकी रह जाते हैं। तो उसी में लिखा था, इंतज़ार करता हूँ मैं तेरे बीत जाने का, तेरी कहानियों में मेरा जिक्र आज भी गुम है। एंड डियर तुम की शायरी नंबर 3, अब ढूंढ कर भी क्या करूँगा तुझे मैं, अब ढूंढ कर भी क्या करूँगा तुझे मैं, जिस बाजार में हर सामान मेरा हुआ करता था। अब ढूंढ कर भी क्या करूँगा तुझे मैं, जिस बाजार में हर सामान मेरा हुआ करता था, अब उसमें उधार करना अच्छा नहीं, अब उसमें उधार करना अच्छा नहीं। अब ढूंढ कर भी क्या करूँगा तुझे मैं, जिस बाजार में हर सामान मेरा हुआ करता था, अब उसमें उधार करना अच्छा नहीं। इसका मतलब कि जब हम रिलेशनशिप के एंड में, रिलेशनशिप हमारा ओवर हो जाता है एंड उसमें फिर हम वापस जाते हैं, वापस सोचते हैं कि यार किसी तरीके से मना लूँ मैं उसको जाके, कुछ चीज़, मतलब कुछ उसको प्रोमिसज करूँ या फिर उसको थोड़ा सा समझाऊँ कि आ जा ऐसे, मतलब उधार करना अच्छा नहीं। तो ऐसे लगता है कि पहले उस बंदे पे पूरा हक, जिस चीज़ से हम कनेक्टेड होते हैं उससे उसको लगते हैं कि यार किसी तरीके से बस उसको पा लें। तो उसी में है कि जिस बाजार में हर सामान मेरा हुआ करता था, अब उसमें उधार करना अच्छा नहीं। तो डियर तुम की शायरी नंबर 4 ये इस तरह से है, ये लास्ट शायरी है एंड आई होप कि आप लोगों को पसंद आ रही होंगी और ये भी आएगी। सो गाइस, थक जाता हूँ मैं अक्सर रुकते रुकते, थक जाता हूँ मैं अक्सर रुकते रुकते, फिर मेरे चैन में भी तेरा होना याद आता है। थक जाता हूँ मैं अक्सर रुकते रुकते फिर मेरे चैन में भी तेरा होना याद आता है। मतलब होता है ना कि हम जिस ज़िंदगी में जी रहे हैं आफ्टर अ रिलेशनशिप, हम जिस लाइफ में जी रहे होते हैं, जितनी भी खुशियां हो, फिर जितना भी कुछ हो, जितना भी चैन हो ना, सुकून हो, बट जब तेरी याद आती है, उन हैप्पी मोमेंट्स को याद करते हैं, तो जो हमारी ज़िंदगी का चैन है और जो तेरा दिया हुआ जो पेन है ना, उस पेन में भी सुकून सा याद आता है। लिखा ना कि तेरे होना याद आता है। थक जाता हूँ मैं अक्सर रुकते रुकते, फिर मेरे चैन में भी तेरा होना याद आता है। मतलब मेरे चैन में भी तेरा होना याद आता है। मेरा चैन तो छोड़, तेरे दर्द में भी मुझे चैन नज़र आता है, अपने चैन से भी ज़्यादा चैन नज़र आता है। आज की वीडियो में बस इतना ही एंड आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर देना एंड अगर आप नए थे इस चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाना, वो रेड वाला सब्सक्राइब बटन दबा देना एंड साइड में बेल आइकन भी है, उससे क्या होगा मेरी लेटेस्ट अपडेट्स जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा तो उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाएगी।
ये सारे फीचर्स अनपेड हैं, यू कैन यूज़ देम। एंड आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट।